गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो सभी? तो सुबह के बज रहे 5:30 और मैं उठ चुका हूँ। उठता हूँ रोज़ की तरह और मैं उठ भी रहा था रोज, मगर मेरे थोड़े यूट्यूब पे इशू चल रहा था जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। मगर कोई नहीं, व्लॉग डालना दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। और थोड़े एग्ज़ाम भी था तो इस वजह से वैसे भी नहीं हो रहा था। तो मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में। तो भाई आज के टू डू लिस्ट में है कैलकुलेशन, 15 एडिशन, 15 मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर 1 से 60, क्यूब 1 से 30, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो क्या में एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम, स्पेलिंग। मैथ्स में है 10 10 क्वेश्चन, पहले 5 चैप्टर जो बुक में है। फिर इंग्लिश में रीडिंग, जहाँ 5 5 एरर, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, फिलअप, दो दो क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन और 10 PQRS, और रीजनिंग में 1 मॉक टेस्ट, और GS में क्वालिटी परमार सर की जो यूट्यूब पे है उसकी नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है, तो फिर चलते हैं जिम अपने, मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। तो भाई हम तो जा रहे हैं जिम वर्कआउट करने। और मौसम देखो कैसा हो रहा है। ये थोड़ा मेरे घर से दूर है तो खेतों में से होके ऐसे जाना पड़ता है। ये गवर्नमेंट स्कूल है तो वेदर देखो अभी देखो ऐसा लग रहा है ठंडा ठंडा। और ऑलमोस्ट 9 बजते ही ऐसी गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है 9 बजे के बाद। तो मिलता हूँ आपको जिम में पहुँच के। तो भाई ऐसा कुछ है मेरा जिम जो पहली बार मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। तो ये मेरा जिम है, न्यू मैंने अभी चेंज किया है। और ये आपका भाई दोस्त वर्कआउट चल रहा है। वर्कआउट फिनिश करके फिर मिलते हैं आपसे। वही अपना हो गया वर्कआउट और अब चल रहा है घर वापस। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है वर्कआउट करते हुए। टाइम लिमिट है कि 8 बजे जिम से निकलना है, तो 8 बजने वाले हैं, निकलते हैं फिर जिम से अब। तो वही अब हम आ गए घर। और जैसे ही पता है आपको कौन वेट कर रहा होगा, हमारा वेट कौन कर रहा होगा, ये देखो ये हमारा जिम। जीवी 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 जीवी, चलो आ रहो, आओ मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई पूजा कर लिया मैंने और मैं जा रहा हूँ जल चढ़ाने तुलसी माता को और सूर्य देव को। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो भाई अपना तो हो गया मास्टर, इसमें था दूध और पार्टी जी, ये अपना पोस्ट वर्कआउट है। तो भाई अब इसको खा खा तो दिया ही, अब निकल रहे हैं अपन लाइब्रेरी, क्योंकि अब नाश्ते में तो पोहा बनेगा, वो अपने नसीब में है नहीं, क्योंकि 9 बज चुके हैं और लाइब्रेरी पहुंचना है। तो मिलता है फिर आपसे लाइब्रेरी पहुँच। तो भाई मैं आ गया लाइब्रेरी और यहाँ पे डॉग है, उसको बहुत बीमारी हो रखी है, पता नहीं खुजली हो रखी है, यहीं सोता है पूरे दिन। इसको बिस्किट देता हूँ मैं जाते वक्त खाते। अब क्या करें भाई, हम तो इतना पैसा है नहीं कि हम इसके ट्रीटमेंट करा सकें। तो मिलते हैं अपने स्टडी डेस्क पे। तो भाई सबसे पहला टारगेट है हमारा कैलकुलेशन, 15 एडिशन, 15 मल्टीप्लिकेशन। तो भाई ऐसे कुछ पेज पे मैं करता हूँ अपने कैलकुलेशंस, और ये कुछ ऐसी मेरी कैलकुलेशन पेजेस हैं जो मैंने पहले करे हैं। खिचड़ी पक गई है। तो भाई इस पे लगाते हैं टिक। तो भाई ये अगला मेरा टास्क है जिसमें मेरे क्यूब्स 1 से 30, स्क्वायर 1 से 60, जो कि मैंने डायरी के पीछे ही लिख रखे हैं। ये रहे मेरे क्यूब्स एंड स्क्वायर, 160 तक स्क्वायर एंड 130 तक क्यूब्स। और ये मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से पहले की तरह। तो अगले टास्क इस पर टिक लगाते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अगले टास्क पे, क्यूब्स स्क्वायर। तो अगला टारगेट है मेरे परसेंटेज टू फ्रैक्शन और पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये भी मैंने अपनी डायरी के पीछे लिख रखे हैं। तो अगर
आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लिख सकते हो अपनी कॉपी में। और ये चार चीज़ जो है वो मैंडेटरी होती है, स्क्वायर, क्यूब्स, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन और पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो इस पे लगाते हैं टिक, देन मिलते हैं फिर आपसे अगले टास्क पे। तो अगला टारगेट है हमारा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम, स्पेलिंग, और ये सब मैं करता हूँ वो कैब की बुक से, मतलब PYQ करता हूँ ये सारे सारे। ये रहे वन वर्ड्स, इसके पीछे ईडियम्स, इसके पीछे स्पेलिंग है पीछे कहीं कहीं पर, और इधर साइड है मेरी एंटोनिम और सिनोनिम जो मैं पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँ अभी। तो इन पे लगाते हैं टिक और मिलते हैं आपसे अगले टास्क पे। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स, स्पेलिंग। तो अगला टास्क है हमारा मैथ्स में 10-10 क्वेश्चन फर्स्ट 5 चैप्टर्स के। तो करते हैं इसको फिनिश धुआंधार स्पीड में। तो ये मैं कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशंस के, और इससे पहले मैं कर रहा था, दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से चैप्टर्स का कर रहा था, एक मिनट। ये नंबर सिस्टम, LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडेंसेस और एवरेज, ये 5 चैप्टर है जिनके मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, और ये एक पेज जिस पे मैं क्वेश्चन कर रहा था। तो इस पे लगाते हैं टिक और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट टास्क पे। तो नेक्स्ट टास्क है हमारा 5-5 एरर, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और फिलअप, जो कि सेम मैं PYQ कर रहा हूँ। तो ये रहे कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और फिलअप भी थे पीछे की साइड हैं, ठीक है। तो फिलअप मैं करूँगा और मैं इस पे लगाता हूँ टिक, एरर, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और फिलअप। तो अगला टास्क है हमारा 2-2 क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। तो ये भी अपना PYQ बुक से, तो ये अपने क्लोज टेस्ट चल रहे हैं और इसके बाद अपना होगा PQRS। तो क्लोज टेस्ट ये रहे और ये रहा कॉम्प्रिहेंशन। तो इस पे लगाते हैं अपन टिक और चलते हैं अपन अगले टास्क पे, जो कि है हमारा PQRS। तो ये 10 PQRS। तो ये रहे अपन हमारे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस वैसे बोलते हैं और हमारी फॉर्म में बोलते हैं PQRS, ठीक है, जो कि सबसे कठिन होता है हमारे, मेरे लिए तो सबसे कठिन है ये, ठीक है। तो इस पे लगाते हैं टिक और इसे करते हैं फिनिश। तो ये सारा का सारा मेरे आज के टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 2:50 के आसपास टाइम हो चुका है। तो भैया भूख लग रही है, अब चल रहे हैं घर, और ये 2 टास्क हैं इनको करेंगे घर पर कम्प्लीट। तो भाई अपन आ गए घर वापस, ऑलमोस्ट 3:00 हो रहा है और हमारा वेट कर रहा होगा हमारा जिम्मी, वो देखो भाई पहले से ही जिम्मी। ओ मेरे बच्चा, चलो। हाँ तो भाई लाइब्रेरी से आके खाना खा रहे हैं, खाने में ये कोफ्ते लौकी वाले और ये रायता जो कि अर्जेंट में बनाया है, और ये रोटी, ये है मेरा खाना। खाना खा के मैं थोड़ी देर सोऊंगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो दोस्तों बचा है हमारा रीजनिंग फॉर एक मॉक टेस्ट, तो भाई मॉक टेस्ट लगाऊंगा। और एक चीज़ देखो, सारे ग्रीन हैं, ठीक है, कट ऑफ क्लियर हैं सारी, मगर इतने दिनों बाद मैंने एक मॉक दिया, मतलब बहुत दिन बाद, तो देखो रेड में मैं कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाया, देख रहे हो आप। तो यही होता है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना तो बहुत बेकार होता है। तो अब भाई अब ये मॉक लगाऊंगा, ये है 26 जुलाई का 2023 का Shift 3। तो अब ये मॉक लगाऊंगा, तो फिर मैं जाऊँगा ट्यूशन पढ़ाने। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाई मैं जा रहा हूँ
ट्यूशन पढ़ाने, टाइम हो गया। और अगर तो मैंने अपने एरिया में ही ले कर लिया, पहले मैं थोड़ा दूर जा रहा था, मैं को अपने एरिया में ही मिल गया, तो एक घंटा पढ़ा के फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई ट्यूशन पढ़ा के आ गया था, तो मेरा ये एक ज़्यादा टारगेट जीएस का पॉलिटी परमार यूट्यूब से 30 मिनट की, तो ये मैं पॉलिटी के नोट्स बना रहा हूँ अपने, ये देख रहे होगे आप, है ना। हाइलाइटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता मैं, क्योंकि तो जो मेरे को वैसे हाइलाइट्स करने होते हैं वो मैं ना ऐसे पेंसिल से लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं नोट्स नहीं दिखा सकता अपने, ठीक है। तो भाई ये है मेरे, ठीक है, ये टारगेट अपना, तो इसके बाद के लिए कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं ये कंप्लीट करके मिलता हूँ आपसे। और भाई मेरे अकॉर्डिंग ना आप पॉलिटी ना वहाँ से कर लो तो बेस्ट रहेगा, टाइम भी बच जाएगा और आपका पॉलिटी कंप्लीट भी हो जाएगा। बाकी अगर यार आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप मुझको मैसेज कर लो, मैं आपको दे दूँगा। तो भाई ये हो गया हमारा बच्चा पागल, अभी हम आए हैं बाहर से तो हम कुछ खाने को लाए हैं, इसलिए ये पागल हो रहा है। जब तक तो कुछ मिलेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा। ये लो 80 रुपए किलो हो रहे हैं टमाटर, ऐसे ले घूम रहे तू है, पता है तुझे। तो भाई ये देखो, देख रहे हो इसे। तो हम भाई एग रोल लेके आए, मतलब वेज रोल, अंडा तो मैं खाता नहीं हूँ। और ये देखो ये पीछे पड़ा हुआ है हमारे, और एक्चुअली क्या कि मैं खाया था और ये था मम्मी का रोल। लो मम्मी आपका रोल, टमाटर खाए। और देखो वाला टमाटर को छोड़ के, देखो उसे छोड़ के और यहाँ पे आई हुई है। ये देखो मम्मी, दो मम्मी से दो, ये दो पहले। मौज में पूरा खा गई। तो दोस्तों कल के टू डू लिस्ट में हमारी कैलकुलेशन, 15 एडिशन, 15 मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर 130, क्यूब 130, स्क्वायर 160, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो क्या है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, सीडियम स्पेलिंग, 10 मैथ्स के 10 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 चैप्टर के, इंग्लिश में रीडिंग, 5 एरर, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस फिलअप, 2 क्लोज टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, 10 PQRS रीजनिंग का 1 मॉक टेस्ट, और GK में पॉलिटी परमार सर की यूट्यूब से अगले 30 मिनट। तो भाई ये मेरा टू डू लिस्ट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये टू डू लिस्ट तो नॉर्मल है। भाई देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, आपके लिए, मेरे लिए भाई ज़्यादा है, क्योंकि मेरी जो क्या कहते हैं रीत थी, या जो कहते हो कि मेरी जो कंसिस्टेंसी थी वो टूट चुकी है, तो इस वजह से मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना है, मतलब मेंस की थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं मॉक लगा रहा हूँ, ठीक है। वो इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि वो मैं मॉक लगा ही रहा हूँ मैथ्स के और रीजनिंग के, सबके अलग अलग मॉक चल रहे हैं मेरे, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे मेंस की, और साथ में बाकी जो मेरी बाकी आए के जो भी चल रही है प्रिपरेशन वो चलती रहेगी। तो मिलता हूँ आपसे खाना खाने के बाद। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पे गायब था। तो भाई जैसा मैं आपको बता दूँ कि भाई मेरा चैनल में थोड़ा इशू आ गए थे। इशू ये था कि मेरा चैनल थोड़ा डीमोनेटाइज हो गया था, जिस वजह से मैं भी थोड़ा डीमोनेटाइज हो गया था, मतलब थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। यार मानते हैं कि यार अर्निंग नहीं आ रही है मेरी, ठीक है, मगर थोड़ा होता है कि यार थोड़ा मोनेटाइज हुआ था चैनल, ठीक है, कुछ चीज़ अचीव करी थी, देन वो अचीवमेंट अगर छीन ली जाए तो बुरा तो लगता ही है, तो वो बुरा भी लग गया था। इस वजह से थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, वीडियो डालने का मन कर नहीं रहा था, ब्लॉग्स, और फिर सीजल का एग्ज़ाम भी हो गया था, तो मेरी थोड़ी कंसिस्टेंसी टूट गई थी बीच में से, ठीक है, डिसिप्लिन भी सब कुछ टूट गया था बीच में से, तो मैं पढ़ नहीं रहा था। अभी एक हफ्ते से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा फिर ब्लॉग भी डाल देते हैं, तो व्लॉग भी डालना स्टार्ट किया है, अब डालते हैं व्लॉग, देखते हैं। और सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे कम हो गए, ऑलमोस्ट 50 सब्सक्राइबर्स का, मतलब कोई इशू नहीं है, क्योंकि यार ये चीज़ें तो चलती रहती है लाइफ में, अप डाउन होते रहते हैं। और ये यूट्यूब मैंने वैसे भी ना कोई अर्निंग सोर्स के उससे स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सडनली ऐसे ही स्टार्ट किया था, मन किया मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, देन ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो यार यही थी इशू, इस वजह से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी और मन भी नहीं कर रहा था वीडियोज़ डालने का। तो यही बोलूँगा भाई, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो, मैंने ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और थोड़े टारगेट्स जो हैं मेरे, जो टू डू लिस्ट वगैरह है, वो थोड़ी नॉर्मली चल रही है, इतनी एडवांसमेंट नहीं चल नहीं रही है, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा इतना ख़ास नहीं गया था कि मैं एक्सपेक्ट करूँ मेरा प्री क्लियर होगा। हो भी सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा गया है, ऑलमोस्ट
मैं करके आया हूँ 140 के आसपास। मैंने कर मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे 140 के अकॉर्डिंग ठीक होंगे। अगर माइनस भी जाते हैं तो 120 के आसपास मार्क्स आने चाहिए। नहीं आते हैं तो कोई नहीं, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे एग्ज़ाम से, क्योंकि मैं इतने अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं गया था। ठीक है, तो जो भी होता है कोई नहीं, अगर क्लियर होता है तो देन मैं मेंस की तैयारी करूँगा। ऑलमोस्ट 3-2 मंथ्स मिलते हैं तो खींच के अच्छे तैयारी कर लूँगा, नहीं तो फिर जैसा भगवान की इच्छा है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर यह कि मैंने कोई और ऑप्शन नहीं चूज़ किया है कि भाई अगर प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं मिली तो प्राइवेट जॉब कर लूँगा, नहीं करनी गवर्नमेंट ही है। MTS मिल जाए, CHS मिल जाए, CPO मिल जाए, कोई भी मिल जाए, सीजल मिल में कोई भी पोस्ट मिल गई तो यार अच्छा है कि भाई वो अच्छी पोस्ट मिली है, अच्छा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है इस वजह से। तो कोई नहीं, क्लियर होता है तो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो जैसा भगवान की इच्छा वो करेंगे। तो भाई व्लॉग डालने स्टार्ट करूँगा, बहुत लोगों के मैसेज आए हैं तो थैंक यू व्लॉग देखने के लिए। और अगर यहाँ तक पहुँच गए तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तो पढ़ने पे ध्यान दो, मैंने भी स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, तो बस यही बोलूँगा पढ़ने पे ध्यान दो, फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।